हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीएम कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप। ट्वेल्थ क्लास में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल के ट्रीटमेंट में आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हो। तो चलो देखें, सबसे पहले तो मेन बात ये आती है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि गुडविल आखिर क्वेश्चन में गिवन किस तरीके से होती है। गुडविल क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन होगी, देखो गुडविल दो तरीके से गिवन होती है। एक या तो गुडविल मिलेगी आपको एडजस्टमेंट में, या फिर आपको दिखेगी बैलेंस शीट में। पहले बैलेंस शीट वाले पोर्शन को समझ लेते हैं, वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है और आपकी पार्टनरशिप जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, आपकी पार्टनरशिप क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, मतलब कि दोबारा से उसमें चेंजेज आ रहे हैं। चेंजेज किस तरीके से हो सकते हैं आपको पता ही है, या तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे चेंजेज हैं आपके कोर्स में। तो अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपने क्या करना है, इसको उठा के राइट ऑफ मार देना है। क्या कर देना है, राइट ऑफ मार देना है। राइट ऑफ मारने के लिए एंट्री क्या डलती है, बहुत आसान एंट्री, आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कब डाल रहे हैं एंट्री, ये एंट्री हम लोग जब डाल रहे हैं जब ये बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है। एंट्री क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। और यानी ओल्ड रेशो में मतलब क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। यानी कि ये हमने गुडविल राइट ऑफ कैसे मारी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के साथ ओल्ड रेशो में, ठीक है। आसान सी एंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और ओल्ड का मतलब सारे हैं, इंक्लूसिव ऑफ रिटायरिंग पार्टनर या डिकेज पार्टनर, ठीक है। अब आती है बात एडजस्टमेंट में। अगर गुडविल गिवन है एडजस्टमेंट में तो आप क्या करेंगे, अगर गुडविल गिवन है एडजस्टमेंट में तो सीधा सा एक आपने काम करना है, एंट्री आपने डालनी है एडजस्टमेंट की, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइज एंड पार्टनर टू सैक्रिफाइज पार्टनर। यानी गेनिंग और सैक्रिफाइज रेशो में एंट्री डलेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइज पार्टनर। और ये शेयर ऑफ गुडविल से डलती है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पूरी की पूरी गुडविल उठा के राइट ऑफ या फिर सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ए सेट ऑफ एंट्री, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग सेट ऑफ एंट्री बोलते हैं। तो ये सेट ऑफ एंट्री कई बार बच्चे क्या करते हैं, पूरे से करते हैं, नहीं शेयर ऑफ गुडविल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, सपोज करो गुडविल वैल्यूड हुई है 40,000 की, और जो सैक्रिफाइज पार्टनर जो है उसका रेशो आ रहा है सैक्रिफाइज में 3/5, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका 3/5 निकाल लेना है। कितना हुआ ये, हो गया आपका 24,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 24,000 की एंट्री डालनी है, गेनिंग में 24,000 और सैक्रिफाइज में 24,000, इस तरीके से एंट्री डालनी है। फुल अमाउंट से एंट्री नहीं डालनी, ये फुल अमाउंट आपने जो है एंट्री डालने के लिए यूज नहीं करना है। तो आपने क्या सीखा, आपने देखा कि अगर बैलेंस शीट में गिवन है आपकी गुडविल तो आपने उसको राइट ऑफ कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करके, और अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो आपने एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइज पार्टनर। अभी गेनिंग देखो कौन हो सकता है, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे सोचें तो गेनर कौन होता है, गेनर जो बचे हुए हैं। और एडमिशन के टाइम पे सोचें तो गेनर कौन होता है, जो एडमिशन ले रहा है। उसके अलावा भी आप जो है इसको निकाल के देख लेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइज, तो उसके रेशो के हिसाब से आपने इसको बांट लेना है, ठीक है। तो क्लियर है, गुडविल बैलेंस शीट में हो राइट ऑफ करो, एडजस्टमेंट में हो एडजस्टमेंट डालो, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।